अखिलेश की सरकार आप क्यों चाहते हैं? अरे अच्छे हुए हैं अखिलेश, जब तो होगी आए, जब से सब परेशानी परेशानी हो रहा है। क्या परेशानी बढ़ गई? गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया बहुत। इस सरकार ने अच्छा कार्य किया है, अगले साल ये भी आएगी और यही काम करेगी। बस 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 अखिलेश जी के साथ हैं पूरे? हाँ पूरे लोग रहेंगे। मुस्लिम किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार कि किस अखिलेश जी के साथ हैं? हाँ अखिलेश जी के साथ हैं। क्यों सर? अगली सरकार किसकी सरकार? वही अखिलेश जी का होगा। हाँ अखिलेश जी का होगा सर। योगी जी जो भी किया 5 साल में ठीक ही काम किया है और ऐसे ही करते रहेंगे तो हमको लग रहा है 2022 में बाबा की सरकार फिर आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम यूपी के चंदौली जिले के लीलापुर गांव में हैं और ये लीलापुर फाटक का इलाका है। हम यहाँ जन की बात करने आए हैं, यहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करने वाला है। पिछले 5 सालों में सीएम योगी ने कैसा काम किया है, इन्हीं मुद्दों पे हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए बाबा जी, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव भाजपा जीती। योगी जी ने कैसा काम किया? बहुत काम किया, जो कई मुख्यमंत्री पिछला कांग्रेस सरकार में। क्या काम किए? अरे काम विकास का काम की ना। विकास का कौन काम किया ये ना? मुफ्त में राशन देना और माफिया के बाहर कहना। अब क्राइम नहीं होता है? हाँ, शांति का स्थापना के लिए हुए यूपी में। अच्छा। एक नंबर का मुख्यमंत्री है अब तक से जितनी सरकारें हैं। लेकिन लोग विरोधी के पार्टी जो है, विरोधी तो हमेशा विरोध करते हैं। हमेशा विरोध। अखिलेश जी कहते हैं कि हमारे काम का फीता काटे हैं सिर्फ योगी जी। उनके काम के वह पैसा दे रहे हैं बनौलो से, जितना विकास का काम कैले से, रोड से लेकर के हर चीज, बिजली देखिए चाहे रोड देखिए, बहुत अच्छा काम किया। तो अगली सरकार किसकी होगी? अगली सरकार आशा है इनकी, इन्हीं का। आशा क्यों? बढ़िया काम किए तो उन्हीं का जाना चाहिए। अरे कुल विरोधी एक मिल रहे हैं ना। हाँ विरोधी कुल एकजुट हो रहे हैं। अच्छा, किसान को मतलब फसल का उचित दाम मिलता है? हाँ हाँ, एक नंबर। जितना सो धान गेहूँ खरीदा कभी रिकॉर्ड रखना, कोई दिक्कत नहीं है। राम राम। कोई दिक्कत नहीं है, सो सब माला माल हो गया। नहीं तो माला माल हो गया। हाँ नहीं तो कुआ भाव। ये धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं किसान एक साल से ज्यादा से, ये तो गलत कर रहे थे। गलत कर दो, खाली पंजाब वाला कर, पंजाब वाला कर गलत कर रहे हैं यार। कोई किसान नहीं है प्रदर्शन करने वाला। गेहूँ का मूल्य सही मिल रहा है? हाँ सब सही है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर के? विधानसभा के चुनाव को लेकर के हम यही कहना चाहते हैं कि इस सरकार ने अच्छा कार्य किया है, अगले साल ये भी आएगी और यही काम करेगी। बस बस बस। क्या अच्छा काम किया? बहुत बढ़िया काम किया है, हर कार्य सब चल रहा है। बसरते रह गई कि पक्ष विपक्ष दोनों रहबे करता है, पक्ष विपक्ष में लड़ाई रहबे करती है, अब देखिए कब तक चलता है। लेकिन मोदी जी युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, योगी जी भी रोजगार नहीं दे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सरकार, महंगाई और रोजगार ये नहीं मिला है इनके राज्य में। अब कह रहे हैं कि मिला है मिला है, जिसको मिला है जिसको। अभी सरकार कह रही है कि रोड का भी प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अब तो उसका घर है, उसका मंत्री है, उसका राज्य है, वो जो करे। आपको मतलब नहीं उसे? अब क्या हम लोग कर सकते हैं? वोट किसको देंगे? वोट तो भाजपा के जाती है, भाजपा को देंगे हम लोग, बस। चाहे बिक जाए तो कुछ हो जाए। बिक कहाँ गए? बिक कहाँ गए? हम 6 लाख करोड़ का सामान बेच रहे हैं, संपत्ति बेच रहे हैं सरकार। अब देखिए जैसा मुद्दा उठता है वैसा जनता घूमेगी, घूम भी सकती है नहीं भी घूम सकती है, ये तो पानी का मूला है। अखिलेश जी ने कैसा काम किया? अखिलेश जी भी बढ़िया काम किए थे। हाँ अखिलेश जी बढ़िया काम किए थे, बसरते रह गई कि उनकी पार्टी चाहे इनकी पार्टी किसके पार्टी की वजह से वो गिर गए। ये तो हाँ बस यही बात है, यही बात है। हाँ भाजपा सरकार आएगी फिर बस सीधा। आप बताओ आप यूथ हो क्या सोच रहे हो, योगी जी ने कैसा काम किया 5 सालों में? काफ़ी अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया? क्या अच्छा काम किया? अच्छा काम है तो यही किए हैं, मतलब जगह जगह पे नाम बदल रहे हैं, मतलब और बाकी जो हमारे दादाजी ने बताया है
मतलब जगह जगह पे नाम बदल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं भाई। वैसे मतलब रोड को लेकर और ये जो माफिया वाफिया जब ये सब हटा रहे हैं ये सब तो माफिया मतलब क्या है, माफिया का मतलब क्या समझते हो? मतलब वही जो मतलब कोई दुष्ट व्यवहार ना करे और मतलब सबके साथ अच्छा रहना ये वो। पहले नहीं ऐसा था? पहले था लेकिन थोड़ा कम हो गया, कुछ ज़्यादा मतलब कम हो गया है। कम हो गया जी जी, मतलब अब गुंडाराज नहीं है? हाँ उतना नहीं है, पहले से कम है। रोजगार को लेके मतलब क्या सोच रहे हो? हाँ उससे तो बहुत ज़्यादा समस्या है, महंगाई वो भी काफ़ी बढ़ गया है जी। लेकिन वोट देने आएगा तो मतलब किसको दो? ये थोड़ी ना मतलब ये इतना नहीं कह सकते हैं कि किसको देना है, जो सही लगे उसको देंगे। कौन सही लग रहा? अभी फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं करो कि अच्छा काम किया तो फिर वोट देने में क्या दिक्कत? अभी मतलब ये थोड़ी ना कि अच्छा काम किया है। अभी चुनाव होगा यूपी में आपके क्षेत्र में, तो कौन सी सरकार चाहिए आपको? चुनाव होगा फिर से विधानसभा चुनाव होगा ना? अच्छा जी, योगी जी ने कैसा काम किया? ठीक काम किया। क्या क्या किए? बहुत सब करिया, वैसा ही नेता चाहिए योगी, ऐसा योगी और क्या। अच्छा, मतलब अभी पेट्रोल डीजल और सरसों तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं और दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो महंगाई तो बढ़ते रहेगा, बाकी नेता ऐसा नहीं आएगा तो नहीं। योगी जी का अच्छा क्या लगता है आपको? सब कुछ अच्छा उसका लगता है, ऐसा कोई चीज़ ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा हो। बहुत कर दिया काम, ने जो काम कर दिया वो कोई नेता नहीं किया, इंदिरा तक नहीं किया हो, उसके माने क्या हुआ? तो ऐसा क्या काम किए बताइए ना। अरे पूरे भारत में पौसे काम कर दिया भाई, बनारस में बनारस बना दिया, आजमगढ़ के आजमगढ़ बना दिया, मुगलसराय का मुगलसराय बना दिया, चंदौली के चंदौली बना दिया, आपका चाहिए? ये पहले नहीं था ऐसे? नहीं था, पहले चंदौली नहीं था? नहीं चंदौली था, सारे चंदौली पहले कूड़ा कबाड़ा था। अच्छा और क्या, अब तो ठीक है भाई। हाँ ये बताइए कि किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलता है? आप तो किसान हैं तो भाई, जिसका जैसा किसान है उसका वैसा दाम है। हाँ क्या दाम है, मतलब गेहूं का आपका दाम सही मिलता है? तो जैसा सरकारी रेट लगेगा वैसा ही ना मिलेगा, तो जैसा सरकारी रेट लगता है वैसा सही दाम लगाया हुआ सरकार, सही दाम लगता है भाई, क्या करें होगा। हाँ और क्या, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सरकार एकदम बेकार है। वो तो सब किसी का किसी, कोई नेता आता है सबका बड़ा बिगाड़ता है, हमने तुम्हें बिगाड़ेगा तुम लोग उसे बिगाड़ोगे, ये तो चलता है, ये तो चलेगा, ये तो भारत का ही सीन है। जैसे विदेश वाला करते हैं कि भारत वाला भेड़िए हैं तो भेड़ है, इसको देख के उसके पाछे पाछे दौड़ते रहेंगे सब। आप बताओ, यूथ हो आप कुछ सोचते हो चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो थोड़ा बहुत सोचते हैं। क्या योगी जी ने कैसा काम किया 5 सालों में? योगी जी जो भी किया 5 साल में ठीक ही काम किया है, और ऐसे ही करते रहेंगे तो हमको लग रहा है 2022 में बाबा की सरकार फिर आएगी, योगी बाबा की सरकार फिर आएगी। क्या अच्छा काम किए? अच्छा काम ये किया कि यूपी में गुंडे बदमाश अपराधी इन सबों पर तो सिकंजा कसे हुए हैं, और बाबा का नाम और बाबा का खौफ बहुत ज़्यादा है यूपी में, इसलिए हम चाहते हैं कि बाबा की सरकार 2022 में फिर आए। और भर्ती प्रक्रिया में भी बाबा ने जो भी कुछ किया है अच्छा ही किया है। करें कि रोजगार के मुद्दे पे मतलब रोजगार नहीं मिला युवाओं को जितना मिलना चाहिए? हाँ उसमें थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन वो भी बाबा सुधार रहे हैं। महंगाई की भी समस्या है? महंगाई तो कोई सरकार कम नहीं कर पाया, तो बाबा भी नहीं कम कर पाए। मतलब ठीक है, पेट्रोल जब मतलब अभी 106 रुपये लीटर हो गया, 100 रुपये से ऊपर हो गया, डीजल के दाम बढ़ गए, सरसों तेल 125 रुपये किलो हो गया, ये सब सही है? सही नहीं है, क्योंकि इनको कम करना चाहिए, महंगाई के लेकर ये चुनाव आए थे जीतने के लिए, इनको कम करना चाहिए, लेकिन अब कम नहीं कर पाए। यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? नहीं, यूपी की सड़क तो पूरी इतना यूपी तो बड़ा है, सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया, लेकिन जहाँ तक देख रहे हैं हम लोग तहाँ तक गड्ढा मुक्त हो रहा है, बाबा काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं मतलब अखिलेश से अच्छे काम कर रहे हैं? हाँ उनसे तो मान लीजिए लाख गुना बढ़िया काम कर रहे हैं बाबा, और 2022 में बाबा की ही सरकार बनेगा। बाबा की सरकार। क्या करते हो आप? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। हाँ गाड़ी चलाते हैं। अखिलेश सरकार किसकी सरकार? अखिलेश का। अखिलेश का। अखिलेश की सरकार कैसे? सही है सब। अखिलेश की सरकार आप क्यों चाहते हैं? अरे अच्छे हैं अखिलेश, जब तो होगी आए जब से सब परेशानी हो रहा है। क्या परेशानी बढ़ गई? गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया बहुत। जी
यहाँ पे तो लोग सब कह रहे हैं कि सब सही है, बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अरे देख रहे गैस को 970 रुपया हो गया, गैस का दाम बढ़ कर जा रहा है जी। ये बताइए कि अखिलेश अच्छे मुख्यमंत्री थे या फिर योगी जी? योगी जी थे, योगी जी। फिर अखिलेश आने वाले हैं इस समय पे, अखिलेश जी हम पढ़ रहे हैं। अखिलेश इससे पहले मुख्यमंत्री थे, तो दोनों में कौन अच्छा? अखिलेश था अच्छे, अखिलेश जी। अखिलेश जी के राज में क्या मिला जो याद है? अरे बड़ी चीज मिला, बहुत अच्छा आवास मिला भी सबको भी, जो कंप्यूटर था ये मिला सबको जी, जब से अखिलेश नहीं जब से खत्म कर सब। आने वाले चुनाव को लेकर के हम सोच रहे हैं सर कि इसकी बार अखिलेश सरकार बन जाए पूर्ण महत्व से। हाँ, अखिलेश सरकार क्यों चाहते हैं? क्योंकि सर पढ़ाई के लिखाई के बारे में मैं शिक्षा बहुत बहुत अच्छी मिली है इन लोगों के बारे में बच्चों को। इस समय स्कूल बंद हो रही है, इस समय बहुत काफ़ी दिनों से यहाँ पे सब योगी कर रहा है। नहीं, योगी सरकार अच्छी नहीं है, ये बहुत परेशान। इस समय जनता को बताइए, जनता के बारे में इस समय जनता बहुत परेशान है। रोड पे गाड़ी चलाने वाले भी परेशान है, धंधा करने वाले परेशान, बिजनेस करने वाले परेशान है। इस सरकार में बताइए कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत बताइए। ढंग से कमाई धाम कोई चल ही नहीं रहा है बढ़िया से ढंग से। चार दिन बाजार चलती है, इसमें संडे आ जाता है, बंदी पड़ जाता है, सनिचर बंदी हो जाती है, इसमें बहुत दिक्कत होता है सर। सब हम लोग कह रहे हैं कि मतलब कि योगी सरकार में माफिया राज खत्म हो गया और दूसरी समस्याएं थी वो मतलब नहीं खत्म होगा सर। अभी नहीं खत्म होगा सर, वो माफिया सरकार कभी नहीं खत्म हो सकता है। ये लोग जो बोलने वाले हैं कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि अच्छी सब कुछ अच्छा है? माफिया लोग अभी हैं सर, अभी खत्म नहीं हुआ सरकार अभी तक। नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक एक से माफिया भी हैं। गुंडा ये कि 5 साल योगी जी सीएम करीब करीब हो जाएगा 5 साल कुछ महीने के बाद, और इससे पहले अखिलेश जी थे, तो दोनों में कौन अच्छे? अखिलेश जी अच्छे हैं सर। अखिलेश जी किस मायने? विदेश से पढ़े लिखे आदमी हैं, सब शिक्षकों के बारे में समझते हैं, लैपटॉप जैसे बांटे हैं, 108 नंबर चालू किए, फिर 100 नंबर चालू किए, प्लस और सब सारी सुविधा जो दिए हैं तो अच्छी लगे, लैपटॉप जैसे बांटे सब अच्छी व्यवस्था उनका लगी है, इसीलिए सब उनको चाहते हैं आजकल। हाँ, अखिलेश जी को सरकार के बारे में ये बताइए कि यहाँ जो राजनीतिक माहौल है मतलब खास करके मुस्लिमों को लेकर के, तो मुस्लिम लोग किसके साथ है? वो अखिलेश जी के साथ हैं पूरे। हाँ, पूरे लोग रहेंगे मुस्लिम। किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार कि किसी अखिलेश जी के साथ हैं। हाँ, अखिलेश जी के साथ हैं। अगली सरकार किसकी सरकार? वही अखिलेश जी का होगा। हाँ, अखिलेश जी का होगा सरकार। आप कहाँ से आए हैं? सर हमारा यही बिसौरी घर पड़ता है जी। वोट को लेकर क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? वोट को लेकर तो हम तो सरकार उसका बनाना चाहेंगे जिससे कि परिवार घर या समाज या गांव रोड सब सुरक्षित रहे, पर ऐसा कोई सरकार मिला नहीं आज तक, ना मिलने वाला है, हमें यही उम्मीद है। योगी जी और अखिलेश जी में कौन अच्छा? अखिलेश जी अच्छे हैं शायद। हाँ, उन्हीं को जिताना चाहेंगे। उन्हीं को जिताना जी। हाँ बिल्कुल। योगी जी कैसा काम किए 5 साल में? योगी जी तो अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा काम किए, जितने भी सीएम आए उससे अच्छा ही काम किए। फिर योगी जी को मतलब अखिलेश को क्यों जिताना चाहते हैं? इसलिए कि उनका सरकार अच्छा है, शराब वगैरह बंद है, जितने शराबी हैं ज़्यादा रोड पर पलट जाते हैं इधर उधर, तो अखिलेश अच्छा है, जाकि यहाँ भी शराब बंद हो जाए यूपी में तो अच्छा ही है जी। बिल्कुल। ये बताइए कि कह रहे हैं कि योगी जी के शासन काल में गुंडा राज खत्म हो गया, सही बात? हाँ सही बात, सही बात है, बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप योगी जी को जिताना चाहते हैं कि अखिलेश जी को? अखिलेश जैसा अगर योगी जी चाहें कि शराब बंद हो जाए तो और अच्छी बात है जी। आप किसको जिताना चाहते हैं? वैसे योगी जी सही रहेंगे। बेरोजगार कन्फ्यूज हैं आप? मैं अभी इसलिए कन्फ्यूज हूँ कि जरा हम जल्दी में इस टाइम कहीं और जाना है। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? मेरे साहब हम तो अंगूठा खाप आदमी है। अंगूठा तो वहाँ वोट ऐसे पी करके सरकार बनी। हम तो कहा थे कि सरकार बदल जाए तो बढ़िया है। बढ़िया है। योगी जी कैसे काम किए 5 साल में? बहुत बढ़िया किए। बहुत बढ़िया। फिर बदलना क्यों चाहते हैं? इसलिए अगर बदलता रहेगा तो अच्छी बात है, अगर किसी को एक ही आदमी को अगर राज रहेगा तो नहीं सही है, सबको लाभ मिलना चाहिए। योगी जी का खौफ है मन में, डर से नहीं बोलते? नहीं नहीं एक ही बात नहीं है, देखिए अगर कोई 5 साल में एक बार बदले तो सबको लाभ मिले। ये बताइए कि 5 साल अब 2-3 महीने के बाद योगी जी का हो जाएगा और अखिलेश जी इससे पहले थे, योगी जी से पहले, दोनों में अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? देखिए
पहले तो औरत को जो है मिलता था 500 रुपया महीने, वो भी बंद हो गया, टुकली का उनको मोहताज हो गया। अब जो आदमी क्या देगा, 500 महीना मिलता था और खुश रहती थी। ये बताइए कि महंगाई को लेकर कोई दिक्कत है? महंगाई के लिए तो है कि दाल रोटी का मोहताज आज के डेट में है, कोई काम काज नहीं, बालू महंग हो गया, हर एक चीज महंगा, पेट्रोल 100 रुपया लीटर मिल गया, तो बताइए कितना कमाए कितना खाएगा आदमी। हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, कोई काम मिलता ही नहीं है, बालू इतना महंगा है कि सब बंद है काम, हम लोग बैठे हैं घर पर। तो अगली सरकार किसकी सरकार? क्योंकि अखिलेश जी को सरकार बनेगी। ये बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ प्लानिंग है, सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे योगी जी की सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो दोबारा भी योगी जी की ही सरकार आएगी। दोबारा योगी जी? बिल्कुल। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? स्वास्थ्य के मतलब कोरोना में भी बहुत अच्छा काम किए हैं, सड़कें भी अच्छी हैं, मतलब गुंडागर्दी वगैरह सब खत्म हो गया है, तो योगी जी काफ़ी लोगों को ध्यान दे रहे हैं, सबका आवास बन रहा है, शौचालय मिल रहा है, काम में पारदर्शिता है, यही सब काम अच्छा हो रहा है योगी जी। ये बताइए कि आपका है कि गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन आए दिन अपराध की घटनाएं तो हो ही रही है। देखिए गुंडा राज का मतलब ये कि कोई अनजाने में कहीं छुप के कोई कर दे रहा है, तो प्रशासन अपना काम उनके पीछे कर रही है, तो वो सब एकाएक तो सब बंद नहीं हो पाएगा। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा लोग जो है बनारस कानपुर ये सब में मरे, और ऑक्सीजन ये सरकार उपलब्ध नहीं करवा पाई। नहीं, ऑक्सीजन उपलब्ध था, बहुत कम लोग मरे हुए हैं, अब कुछ लोग अन्य कारणों से भी मरे हैं, तो उसको भी कोरोना से जोड़ दिया गया है, विपक्षी लोग जोड़ दिए हैं। विपक्षी लोग जोड़ जी कोरोना में तो मोदी जी के प्रस्तावक छुन्नू लाल मिश्रा जी हैं जी। उनके मतलब एमपी के प्रस्तावक जो हैं छुन्नू लाल मिश्रा जी, उनकी पत्नी मर गई, बेटी मर गई, और उन लोगों ने आरोप लगाया सीधा, मरने वालों को कौन रोक सकता है, कोरोना, लेकिन कोरोना की वजह से मर गए। फिर आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? जी ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया, नहीं तो मौतों की संख्या बढ़ सकती थी। जी सरकार ने पूरा प्रयास किया, ऑक्सीजन उपलब्ध हुआ, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं, बहुत बड़ा मतलब हम लोगों का देश जो है बहुत बड़ा है। योगी जी का सबसे अच्छा काम कौन सा है? राम मंदिर निर्माण योगी जी करवा रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे हिंदुओं के लिए। जी राम मंदिर मतलब निर्माण योगी जी करवा रहे हैं? नहीं, योगी जी के देखरेख में हो रहा है, योगी जी थोड़ी करवा रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ था इसलिए हो रहा है, और योगी जी ने कोरोना काल में भी काफ़ी अच्छा काम किया है, जमीनी स्तर पे हर हॉस्पिटलों में जाते थे, मिलते थे। कहते हैं कि जो काम हमने विकास का किया उसी का उन्होंने फीता काटने का काम किया बस। जी नहीं, ऐसा नहीं है, अखिलेश जी ने भी काम किया था, लेकिन योगी जी के बराबर वो काम नहीं कर पाए थे, उनको भी मौका था काम करने का, लेकिन अखिलेश जी काफ़ी अच्छा काम नहीं कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। लेकिन अखिलेश जी गिनाते हैं कि हम एक्सप्रेस वे बनाए। हाँ एक्सप्रेस वे बना हुआ है। नहीं बना? कौन एक्सप्रेस वे बनाया? नहीं बना। वो गंगा एक्सप्रेस वे एक तो बना हुआ था, उसमें भी कुछ काम बाकी था, तो बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो बना। एक्सप्रेस वे जो बनाए दिल्ली से लखनऊ तक, लखनऊ का, तो 5 साल काम करेंगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तो वो उन्हीं में से एक है। मेट्रो भी बोल रहे हैं हम ही लाए, यमुना एक्सप्रेस प्रोजेक्ट ला देने से थोड़ी हो जाता है, ये प्रोजेक्ट ला दिया, काम चल रहा था, ठंडे बस्ते में हो गया, कहाँ नहीं चल रहा था, हम लोगों को तो नहीं दिखाई दिया। लखनऊ में बन रहा था, तो लखनऊ में अभी तक कहाँ कंप्लीट हुआ है, योगी जी में भी नहीं कंप्लीट हो पाया, अखिलेश में कहाँ, अखिलेश में तो बस नामकरण हुआ था कि मेट्रो बन रहा है, लेकिन कहाँ बना। नहीं, उनकी सरकार जाने के एक ही साल बाद शुरू हो गया था मेट्रो। सरकार जाने के बाद तो उसको योगी जी ने पूरा करवाया, काम एक ही साल में थोड़े खत्म हो जाता है सर। तो वो अखिलेश जी भी करवाए थे, लेकिन काम तो योगी जी में ही पूरा हुआ, कुल मिला जुला के मतलब अच्छा सरकार योगी जी का काम काफ़ी अच्छा है, अखिलेश जी के बाद।